तो वेलकम बैक वन स्क्वाड। तो पूरी तैयारी हो गई है सुबह की फ्लाइट पकड़ने के लिए। टाइम देखो अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। हम लोगों ने घर से निकलना है 1:15 बजे। तो सोने का जो है बिल्कुल चक्कर नहीं है, अभी कोई है नहीं। भाई का यहाँ मैसेज आ गया, जसपाल भाई का, सेफ ट्रैवल भाई, थैंक यू मेरे भाई, आते ही मिलना तेरे को। सो पैकिंग पूरी हो गई है, दो बैग मेरे और सायरा के हो गए, रीमा का रह गया। अब देखेंगे रीमा जब करेगी पैकिंग करेगी। मामा स्लैप बेबी, मामा स्लैप, ओके। सारा एक्साइटेड, सोना नहीं बेबी आपको? फिर हम निकलेंगे, फिर एयरपोर्ट पे करेंगे चिल। मामा को हम लोग करने वाले मिस, मामा तो ऑलरेडी सो गई हैं। तो आप डाउनलोड कर लो और हम तैयार होकर फिर चलते हैं। वी आर ऑल सेट एंड मैडम वी गोना मिस यू, कम सून, कल जल्दी आ जाना, ज्यादा वेट मत कराना सुबह, ओके? मामा देखो सोने का नाम नहीं ले रहे, तो मम्मी ये खिला दो। कौन सा वाला गेट लेना है? आई फाउंड इट, गोरा, श्रीलंकन एयरवेज 192D। लेट्स गो। मुझे बोलती है पापा इतना खाली लग रहा है एयरपोर्ट, इतना खाली। मैं कहा ये बेटा डोमेस्टिक है इसलिए खाली लग रहा है। I'm hoping सारा जितना खाली ये है उतना खाली इंटरनेशनल भी हो। So, मुझे भी लग गोइंग एंड कमिंग। क्या है? क्या हिंदी में बताओ यार। सब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। हाँ वो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, है ना। स्टेशन तो ऐसा लग रहा है अच्छी मार्केट बनी पड़ी है। लेट्स ट्राई एंड सी, आखिरी वाले में चलते हैं। इट्स मोर देन लाइक हाफ एन आवर एंड वी स्टक हियर। फाइनली वी मेड इट। यप। कितनी देर बाद? इट टुक अस 1 आवर, 1 घंटा लग गया हमको। 1 आवर। यस। अभी क्या हुआ सायरा अपना बैग और आईपैड सब कुछ छोड़ के आ गई थी। ओके मम्मा, इफ यू सी दिस, दिस वाज एक्चुअली अ ड्रीम एंड यू नेवर सॉ दिस। ड्यूटी फ्री, यू वांट टू बाय समथिंग? नो, नो शॉपिंग टुडे आज मम्मा नहीं तो नो शॉपिंग। व्हाट अबाउट कैंडीज, सम स्किटल्स और समथिंग? बट आई ऑलरेडी हैव एनफ स्नैक्स। तो वापसी मिलेंगे ऑन द वे बैक। अभी हमारे पास आधा घंटा है, जब हम आराम से बैठ के खाएंगे KFC, कॉफी पियेंगे। चलो पेट पूजा होगी खत्म, अब हम लोग जा रहे हैं सीधा गेट की और ये सब पैक कर लिया हमने। मैंने मूवी देखते हुए खाना खाना है। हरा ने अपनी मर्जी की 3-4 मूवीज है जो रात को डाउनलोड कर ली थी, उन्हें भी लाओ, चलो उन्हें भी खेल लेंगे। तो अभी हमें दोबारा एक और बात पता चली कि जब पापा सारा के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ हो रही है। मम्मा टेक्स केयर सो नाइसली, तो मैंने एक ये जो है हमारा नेक रेस्ट घुमा दिया, बैग पे टांग रखा था, पता नहीं क्या छोड़ दिया। तो मैं तो बोल रहा हूँ मैंने घुमाया, मैंने घुमाया, मम्मा ध्यान रखती है, मेरे साथ ट्रैवल हो रहा तो सब गड़बड़ हो रहा है। Now papa is putting the blanket for me and I have occupied the whole seat. Yeah. Idhar okay se hogi, so the legs stretch kar. Okay. Good night karte ke to dobara good night hogi. Good night. Good night. Anyways, I'm not sleeping. गाइज वैसे तो श्रीलंका में वीज़ा ऑन अराइवल है, आप वैसे दिल्ली से लेके आएंगे, इंडिया से लेके आएंगे, बढ़िया अगर नहीं लेके आ रहे तो यहाँ पे ये वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन है जो आप आराम से पे कर सकते हैं $25। तो हमने अपना कर दिया वीज़ा, अपने को लिया, इतनी जल्दी वीज़ा मिला उतनी जल्दी हमारा इमिग्रेशन भी खत्म हो गया। रास्ते ड्यूटी फ्री आर नो गाइज, आपको याद हो लास्ट टाइम भी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कंट्री एवर जो मैंने देखा था जहाँ पे यू गाइज कैन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यूटी फ्री पे, इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं, चेक इट आउट। या सो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है और यहाँ सारा ड्यूटी फ्री है। Papa, you got the bags. मम्मा का जो बैग है मम्मा भूले ना आते हुए, हिंदी में पूछो कितने देर लगेगा होटल पहुंचने में। होटल पहुंचने में भैया बताएंगे, जो बाहर लेने आए होंगे उनको चेक करते हैं पहले, चलते हैं। वेलकम टू श्रीलंका, द कार इज हियर और बस अब 2 घंटे मुझे लग रहा है मैं तो सो के जाने वाला हूँ सारा। व्हाट अबाउट यू? म्यूजिक गाइस, हम लोग यहाँ एयरपोर्ट से निकल गए और 2 घंटे हैं यहाँ से हमको अपने लोकेशन में पहुँचने के लिए। मिस्टर मंजिला है लेके जा रहे हैं एंड आई वाज आस्किंग हिम दैट हाउ इज द सिचुएशन मंजिला, बिकॉज यू नो पीपल आर स्टिल स्कैर्ड यू नो इन इंडिया और अदर कंट्रीज ऑल्सो, पीपल फील इट्स नॉट यू नो दैट सेफ राइट नाउ टू कम एंड टू ट्रैवल टू श्रीलंका।
So now it's like Sri Lanka is day by day is getting better. Uh-huh. So it's I tell to all the people come to Sri Lanka and help us. Oh yes, you know last time I was here and we had such a beautiful stay. And you know, I was telling everybody, you know, mostly people in India, if they want to go to beaches, if they want to go to small holidays, they go to this place called Goa. I don't know if you've heard about Goa. Goa, yes. Yes, yes. But you know, when I visited Sri Lanka last time, yeah, I seriously felt that it's better than Goa. You know, it's Goa. Like this is my second time here, uh-huh. And I was so excited. You know, when I was told that you have to go to Sri Lanka again, I was like, game on, I'm ready. सब कुछ safe है. अभी जैसे Mr. Manjula हमें बता रहे थे कि government you know दूसरी countries भी help कर रही है श्रीलंका को. And सारे जितने भी लोग यार आप holidays करना चाहते हो, you should also come. You know, it's nice you know to visit Sri Lanka. और at this time जहाँ पे you know इनको थोड़ा जरूरत भी है, if you can help, why not? यार आओ, छुट्टी बनाने निकल रहे हो तो आओ यहाँ पे. मैं दूसरी बार आ रहा हूँ. देखो मैं और सायरा अकेले आ गए. We are here. How's the shoot going on? Landed, we on the way. अभी शुरू नहीं हुआ. Mama is always looking pretty. She's my girl, huh? It's beautiful, beautiful. Yeah. गाइज, ये पूरा का पूरा एरिया जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है कि श्रीलंका का सिनेमन जो है वर्ल्ड फेमस है. इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, मैं अपनी चाय में ना सिनेमन डाल के पीता हूँ. तो मैं जब कल पैकिंग कर रहा था, मम्मी कहती है बेटा श्रीलंका जा रहा हूँ सिनेमन ले आना. मैंने कहा अरे दिल्ली से ले लेंगे. वहाँ कह रहे तुम्हें पता नहीं है कि श्रीलंका इज दी ओरिजिन, वहाँ का जो सिनेमन है वो वर्ल्ड फेमस है. Miles of cinnamon. So this area is pura specialized, like completely this is specialized for cinnamon. ये बुद्धिस्ट टेम्पल है और ये बच्चे जो हैं छोटे छोटे, ये बुद्धिस्ट टेम्पल के लिए यहाँ पढ़ाई करने आए हुए हैं. सो नाइस. संडे स्कूल. ओके, सो वी आर द प्रॉपर्टी नाउ. पाइनएप्पल, ये सारे पाइनएप्पल लगे हुए हैं. When I came last year, I came in November, I joined only in November. Okay. And when they took me from the main road to the small street road, they say, where are they taking me? Are they going to sell me, kidnap me or something? And then you enter Arita and you have this, amazing. Wow. This... Roshan is going to be your butler here to stay. Right. Here at Arita, we do not have front office, we don't have guest relation or restaurant staff, we work with butlers. The butler is going to create an emotional connection, wow, with you. He's gonna take care of you, all your needs. Gonna be your Arita guy. Thank you, sir. Looking forward to the experience. So these are all separate villas. These are the two mansions. So the 7 contemporary villas. Okay. And 2 mansions. So you will be occupying in one of the mansions. Right. This is the main restaurant. And the main pool. Okay. And all the other villas are just down the line. Okay. ये रहा हमारा रूम. ये नीचे इनका मेन पूल है. मेन पूल के साथ इनका रेस्टोरेंट है. एंड ऊपर से सनसेट गिर रहा है, यही होने वाला है. तो हमारा व्यू आप इमेजिन कर लो क्या होने वाला है वहाँ से. रोशन टोल्ड मी दिस इज गोना बी द परफेक्ट सनसेट व्यू. One is the main master bedroom, okay, the two bedroom colonial mansion. The difference between this one and the other villas, they are contemporary style. Here, colonial. This is colonial. Yeah, that's what. I was living a bunk bed with the nets and everything. Illy coffee, of course, being Italian, I need the best coffee available. We have a selection also of the teas that are unique. This one. Wow. Are different teas. They are from the 4 regions of Sri Lanka. Okay. Then all Sri Lankan. All different teas. Then if a guest wants to have a chamomile tea, a mint tea or something, we customize everything for them. The room has a phone to contact the butler, the speaker, the blue speaker, and the iPad. Is it? Let's check it out. So you can be here. There are fishes here. You have also your own fish pond. Fishes? You can play with them. No. Huh? गाइज, रूम टूर तो आपको मिल गया. मैं आपको फिर भी फटाक से ग्लिम्स देता हूँ. ये अपना पर्सनल पूल है यहाँ पे और शाम का सनसेट होने वाला है कमाल का. और अंदर का रूम तो आपने देख लिया. एक चीज़ थी जो आपको दिखाया नहीं, वो वहाँ लेके चलता हूँ. सो ये तो रहा हमारा रूम. आई एम श्योर रीमा जब आएगी बोलेगी कि पहला दिन उसने बहुत ही ज़्यादा मिस कर दिया इसको. ये था आपका वॉशरूम. सारा तो खुश होगी पॉन्ड देख के, आपने देखा था उसका एक्सप्रेशन. जो कमाल की चीज आपने मिस करी अभी तक, लेट मी शो यू. दिखाता हूँ भैया.
हेलो, ये है बेबी गर्ल का रूम। गाइस, ये जो हरिता का जो हमने मैंशन जहाँ पे हम रुके हुए, ये टू रूम मैंशन है। सो वाला रूम जो है मास्टर रूम हो गया, हमारा मास्टर बेडरूम हो गया, ये हो गया इनका किड्स रूम जो उन्होंने बच्चों के लिए दिया हुआ। एंड सायरा को बताया गया कि सायरा, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रूम? द व्यू। मतलब जब के शाम को जो इतना बढ़िया सा वेदर होएगा, सायरा ने विंडो खोल के अपना पर्सनल पूल यहाँ पे जो अपना है, यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हैं, बट यहाँ से बैठ के पूरा व्यू जो है वो एंजॉय भी कर सकते हैं। वाओ सायरा, मेरे पास तो है नहीं ये व्यू, चेक दिस आउट। नहीं, मैं तो हमेशा ही अच्छा दिखता हूँ। ये ये है इनका वॉशरूम दूसरे बेडरूम का, विच अगेन इज वेरी नाइस, वेरी नाइसली डन। हैरान हो गई, अब सोच रहे हैं एक घंटे का थोड़ा नैप ले लिया जाए और उसके बाद जो है पेट पूजा के लिए जाना चाहिए। रोशन ने अपने को व्हाट्सएप पे मेरे को पूरा मेन्यू भेज दिया, अलाकार्ट मेन्यू अभी जो है। एंड रात के जो डिनर की बात है वो हम बैठ के करेंगे कि क्या स्पेशल कुछ खाना है। वो बोल रहे थे आप क्या खाएंगे, पर्सनलाइज सर्विस है, सो वो अभी जाके पिक करते हैं। टेस्ट पूरा करने की कोशिश की, सोने की कोशिश की, नींद नहीं आई। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद सारा क्या करना है, फिर हम अपने पूल में जंप करेंगे, क्योंकि थोड़ा सन नीचे हो जाएगा है। शाम की चाय यहाँ बैठ के पियेंगे आराम से। मैं बैठूंगा यहाँ पे, सारू चाय पीऊंगा और सारा को आराम से स्विमिंग करते हुए देखूंगा। अच्छा, बेस्ट चीज़ क्या है यहाँ की, खाने का ना टाइमिंग फिक्स नहीं है। फिक्स इन द सेंस कि ये नहीं कि बहुत बार रिजॉर्ट्स में होता ना, आप जाते हो तो आपको एक से दो के बीच में आके खाना ही खाना है, दो बजे तक खत्म हो जाएगा। लाइक दैट्स व्हाट हैपेंड इन आवर मालदीव ट्रिप आल्सो। सो यहाँ पे क्या है, आपका जब मन करे आप आओ, जो खाना है आपके पास मेन्यू है, कुछ स्पेशल बनवाना है वो भी बनवा सकते हो, या अपनी मर्जी है। देखो, हेलो दीदी, कैसे हो? ठीक ठाक, बड़ा दिन हो गया आपको यहाँ पे। खाना खा के मजा आ गया, इतना फीलिंग था, इतना बढ़िया था, और वेदर आप देखो और सही हो गया, वैसा लग रहा है बारिश किसी भी टाइम होएगी। सारा तो खाना खाते निकल गए। देखो ये रास्ता, हम लोग अपने रूम की तरफ चलें। विंडोज का साइज देखो यार, कितना बढ़िया। मैं तो हर कॉर्नर पे ना कुछ शॉट तो मैं निकाल के जाने वाला हूँ। यहाँ भी करना, ये भी खुला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेम। गाइज ये चेकआउट करो। सो इवनिंग टाइम एंड सनसेट हो गया, मैं सोता रह गया। मुझे लगा 5-10 मिनट की मैं नैप लेके ना इसके बाद फ्रेश हो जाऊंगा, और उसके बाद जो है हम अपने पूल में यार डुबकी मारूंगा। बट हुआ कुछ नहीं, क्योंकि थकान हो रखी थी, रात का सोए नहीं थे हम लोग। तो अभी उठे, मैं कह यार ये व्यू तो मिस नहीं करना, चाय मंगवाई मैंने। रोशन को बोला मैं, कहा प्लीज़ शाम को बैठ के बाहर चाय पियेंगे। सो हम लोग अपने विला के बाहर, जैसे मैंने बताया सारा विला का हमारा बाहर का एरिया है, जहाँ पे हम लोग अभी मैं और सारा बैठ के मस्ती करने वाले, और मैं बैठ के व्लॉग एडिट करूँगा यहीं बैठ के चाय पीते हुए। एंड जितने लोगों को नीचे एक्चुअल पूल साइड में रेस्टोरेंट में पीना है शाम का खाना पीना, तो वो सारे ऑलरेडी कुछ लोग नीचे बैठे हैं अपना। क्या यार ब्यूटी है इस जगह की, एंड ये अलग ही एक फील है, ये जो विलास का कॉन्सेप्ट है। देखो हरिथास में क्या ना, देखो ये वाला जो विला है हमारा है, पीछे वाला वो दूसरा विला दूसरे लोग का, तो बहुत ही लिमिटेड कहते ना, एक एक्सपीरियंस जो है प्रॉपर्टी का बहुत ही लिमिटेड बनाया हुआ है, कि 7 से 8 विलाज हैं यहाँ पे, और कमाल की कस्टमाइज सर्विस। सो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं तो वीडियो अब जो है ना यहाँ बंद करने वाला हूँ, क्योंकि एडिट करने में मेरा बैंड बच जाएगा, अभी एडिट भी और होना है। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, चाय पीते हैं और ये सुंदर मौसम इन्जॉय करते हुए मैं वीडियो अपना आज का व्लॉग एडिट करूँगा, और अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट डे जो है आपके साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय सायलू, बाय।